ये वाला टॉपिक रिवाइज ना करना पड़े, ऐसे सिचुएशन इतने अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट, नंबर सिस्टम। बहुत सी चीजें आपको नई नई पता चलने वाली हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, या फिर जो चीजें आपको पता है वही इतने अच्छे मैनर में पता होने वाली है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, एक होता है वेटेड, एक होता है अनवेटेड। एक होता है वेटेड और एक होता है अनवेटेड। ठीक है, अब देखना व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेटेड एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनवेटेड, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे आप ये समझो, जैसे आपसे बोला जाता है कि बचपन में पढ़ाते थे ना, जैसे कि मान लीजिए 105 है, तो इसके लिए क्या करते थे कि इसका जो पावर है दैट इज 10^0, इसका जो यूनिट है दैट इज 10^1, इसका जो यूनिट, इसका जो प्लेस है दैट इज 10^2। तो मतलब हर एक डिजिट क्या रख रहा है अपने आप में, उसका कुछ क्या है, वेट है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जैसे 105 है तो इसका इस यूनिट प्लेस है, ठीक है, ये डेसिमल प्लेस है, ये 100 प्लेस है, तो इसका क्या है, हर एक का वेटेज है बेसिकली। तो जिस नंबर का हम वेट निकाल सके, मतलब पता कर सके, दैट इज वेटेड। और जैसे आप ये समझो, जैसे मान लो तुमसे बोला जाए, आपसे बोला जाए कि ए 10 है, ध्यान से सुना मेरी बात को, ए 10 है एंड दिस इज बाइनरी नंबर, दिस इज बाइनरी नंबर, तो आप क्या करते हो, 2^0 + 2^1। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्या है, वेटेड नंबर है। मतलब जैसे यहाँ पे बेस 10 था वैसे यहाँ पे बेस 2 है, बट है क्या, वेटेड। मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका आप इस तरीके से वेटेड नंबर नहीं निकाल पाए, दैट इज अनवेटेड। ठीक है, तो अब जैसे इसमें बात करें, सबसे पहले अनवेटेड होते कौन कौन है अभी तक ये चीजें, अब जैसे देखो मान लो अनवेटेड में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो तुम जानते हो, वेटेड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे सबसे पहले होता है आपका डेसिमल नंबर, सबसे पहले क्या होता है, डेसिमल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, काइंड ऑफ बाइनरी नंबर, बहुत ध्यान से सुनते चलना, जहां नहीं समझ में आया पूछ लेना, बाइनरी नंबर। देन आपका क्या जाता है, ऑक्टल नंबर, क्या जाता है, ऑक्टल नंबर। देन आपका नेक्स्ट क्या है, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ये ऐसे नंबर हैं जिसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, कहने को तो बेस कुछ भी बना सकते थे। और एक होता है आपका बीसीडी नंबर, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेटेड। अब बात आती है कि व्हाट इज अनवेटेड, तो अनवेटेड में भी दो होते हैं काइंड ऑफ, एक आपका ग्रे कोड और नेक्स्ट आपका एक्सिस 3 कोड। ठीक है, एक्सिस 3 कोड, क्लियर। तो दिस इज वेटेड, दिस इज अनवेटेड। अब सिंपल, अगर जैसे आपको इतना तो पता होगा काइंड ऑफ की डेसिमल नंबर का जो वेट होता है या फिर बेस होता है वो कितना होता है, कितना होता है, 10, और 10 बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, ऑक्टल का कितना होता है, 8, ठीक है, हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16, ठीक है, हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16, एंड बीसीडी के बारे में अभी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट वन इज वेटेड, सेकेंड वन इज अनवेटेड। अब वेटेड का मतलब क्या है, आपको अगर कोई नंबर दिया गया है, अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो डेसिमल में, तो वो नंबर आपके पास आ जाएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे वो अलग, डिपेंडिंग ऑन द बेस आपके पास नंबर बैक आने वाला है। बट अनवेटेड में अगर आपको कोई अनवेटेड नंबर दे दिया जाए तो उससे आप डेसिमल नंबर नहीं निकाल सकते, मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे अगर एक लाइन लिखना तो लिख लो क्या कि वेटेड कोड आर ओबे
पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल, वेटेड कोड फॉलोज, वेटेड कोड फॉलोज, वेटेड कोड फॉलोज, वेटेड कोड फॉलोज पोजीशन वेटिंग, पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, पोजीशन वेटिंग प्रिंसिपल। और ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि हर एक नंबर अपना कुछ न कुछ अस्तित्व रखेगा। मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं, मतलब हर एक नंबर की कुछ न कुछ ऐसे याद करने हैं। हाँ, अभी याद हो जाएंगे जसमीन, टेंशन मत लो, ये नंबर अभी याद हो जाएंगे। इतनी बार आप इसे फेस करने वाले हो ना कि आप ना चाहते हुए भी नंबर याद हो जाएंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्लियर, ओके। तो यहां पे हम दोनों को डील करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं वेटेड कोड को, सबसे पहले हम किसको उठाते हैं, वेटेड कोड को। अच्छा, वेटेड कोड में जैसे एक जनरल फॉर्मेट लेता हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नंबर सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया, वेटेड कोड अनवेटेड। वेटेड मतलब डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड बीसीडी, इंडिविजुअली सबके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, देन अनवेटेड, क्लियर। अब एक एक पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल सिस्टम में ये सारे नंबर्स यूज किए जाते हैं, तो इसलिए बेसिकली इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज बेसिकली फॉर ऑल नंबर्स, मतलब चाहे बाइनरी हो, चाहे ऑक्टेट हो, चाहे ऑक्टेट हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, चाहे डेसिमल हो, सबके लिए मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई नंबर आए, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपके सामने कोई भी नंबर आ रहा है, ठीक है, उसमें होता क्या है, जैसे आप बोलते हो ना 101.05, 101.05, तो जैसे देखो मान लो ये नंबर है आपके पास, तो सबसे पहले मैंने यहां पर लगा दिया पॉइंट, मैंने यहां पर लगा दिया पॉइंट। और याद रखना मैं कुछ नहीं रटवाऊंगा, सारी चीजें मैं तुम्हें समझा दूंगा, सारी चीजें तुम वैसे ही कर लोगे, ठीक है, रटने वाला कोई सीन नहीं है यहां पे। तो अब यहां पे ये जो पोजीशन है दैट इज ए माइनस वन, ए माइनस टू, ठीक है, ए माइनस थ्री, ए माइनस फोर, ए माइनस फाइव, ए माइनस सिक्स, क्लियर। यहां पे ए वन, ए वन। अब देखो यहां पे जैसे कि ए यहां पे था, तो काइंड ऑफ ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड ए फाइव, ठीक है, ओके। अब एक एक पॉइंट को ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं रेडिक्स पॉइंट। मैं बोल रहा हूं कि आगे का दो घंटे आपको कितना अच्छा समझ में आने वाला है सिर्फ एक इस पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेडिक्स पॉइंट, रेडिक्स पॉइंट, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो नंबर है यहां से ए माइनस वन से लेके कहां तक, यहां पर, मतलब ए आपका चाहे जहां तक चला जाए, ठीक है, चाहे जहां तक जाए। और जो लास्ट नंबर होता है उसको क्या बोलेंगे, एलएसबी या एमएसबी, बताना जरा, लास्ट वाले नंबर को क्या बोलेंगे, दिस इज फ्रैक्शन पार्ट, इसको बोलो क्या बोलेंगे, ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसको हम क्या नाम देंगे, एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस इज एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर डिजिट। अभी बात करेंगे व्हाट इज बिट, व्हाट इज निबल, ठीक है, सारी कुछ बात करेंगे, व्हाट इज बाइट, सब कुछ बताएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, ओके। तो दिस इज एल एस बी। यार एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, अगर तुम्हें ए पॉइंट दे दिया जाए, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 100, 1002,
तो इसमें सबसे कम इंपॉर्टेंस किस नंबर की है? सबसे कम, अगर किसको इग्नोर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसको इग्नोर कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो को। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अगर तुम वन को इग्नोर करोगे तो आपका तो पूरा नंबर ही चेंज हो जाएगा ना, क्लियर है? अभी अभी गलत नहीं होगा ना एलएसबी और एमएसबी में, दिनेश, क्लियर है? ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। यहां पे जो ये आपका नंबर है, ये आपका जो नंबर है, ये आपका क्या है? ये तो फ्रैक्शन था, इसको क्या बोलेंगे? एनी गेसेस? इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर। इसको क्या बोलने वाले हैं? इंटीजर पार्ट, क्लियर। एंड द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन, दिस नंबर इज नोन एज व्हाट? एम एस बी। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो, एम एस बी इंटीजर पार्ट, देन रेडिक्स पॉइंट, देन फ्रैक्शन पार्ट, देन एल एस बी। इसमें मैं आपका एक नंबर नहीं बोल रहा, अब यहां पे सिर्फ ना बेस चेंज होते जाएंगे, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, क्लियर है? तो दिस इज जनरल फॉर्मेट ऑफ नंबर, दिस इज व्हाट? जनरल फॉर्मेट ऑफ एनी नंबर, जनरल फॉर्मेट ऑफ एनी नंबर, ठीक है? ये आप एक्चुअली जो आप पढ़ते हो ना, देखा जाए जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, 100, 102, 103, वो भी इसी को फॉलो करता है। अभी मैं प्रूफ करता हूं आपके सामने, ठीक है? जैसे एक काम करते हैं, सबसे पहले वही उठाते हैं जो तुमने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले वही उठाते हैं जो तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल उठा लेते हैं। सबसे पहले हम क्या उठा लेते हैं? डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है? ओके, अब यहां पे डेसिमल नंबर की अगर बात करें तो डेसिमल नंबर का पहले तो तुम बेस बता दो कितना है, यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कितना बेस है? 10, ठीक है, 10। अब जो 10 होता है इसमें कहां तक का नंबर आप यूज करते हो, कहां तक का नंबर यूज करते हो? जीरो से लेके, चलो एक बार तो लिख ही देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या हमने 10 यूज किया? तो याद रखना, जो बेस है, जो बेस है उससे एक डिजिट कम तक ही आप यूज करते हो, ठीक है? जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि हाउ मेनी नंबर्स आर इन हेक्साडेसिमल, अब कितने कितने तक करेंगे अपन हेक्साडेसिमल में, कितने तक मैक्सिमम, कितने तक जाएंगे? 15 तक जाएंगे, 16 तक नहीं जाएंगे, याद रखना, कहां तक जाएंगे? 15। अच्छा, कितने डिजिट होते हैं, हाउ मेनी डिजिट्स इन हेक्साडेसिमल? 16, यार इंक्लूड करो, जीरो को भी तो इंक्लूड करोगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें नंबर काउंट करो यार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हुआ ना, तो टोटल नंबर इज 16, बट आप अप टू कहां तक जाने वाले हैं? दैट इज 15। अब ये चीजें आपको बहुत आसान लगेंगी, बट यही आसान आसान चीजें आपके जो टफ वाला पोर्शन है उसको कितना आसान बना देंगी, ये आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है? तो बस जैसे जैसे बताया जा रहा है चीजों को समझते चलो। ओके, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है? 10, ठीक है? अब एक सिंपल सी बात करें, अगर ये तो हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम, यहां पे अगर मैं आपके सामने मान लो ऐसे लिखना है कि एक नंबर लिखा, यहां पे नंबर लिखा, ठीक है? तो अब आप बताओ यहां पे कि यहां पे कितने के पावर सारी चीजें चलेंगी, कितने के पावर में सारी चीजें चलेंगी? 10, कितने के पावर में? 10। तो दिस इज 10 के पावर 0 या 1, जल्दी बोलो, 0 या 1? 10 के पावर 0 या 1? 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, यहां पे क्या लिखूं? 10 के पावर, यहां पे देखो यही गलती होती है, अभी मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यही गलती तुम करोगे, अभी जब जैसे ही बाइनरी आएगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो 10 के पावर -1,
10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 3 एंड 10 के पावर माइनस 4। यहां पे नहीं, बाइनरी में बता रहा हूं, अभी तो डेसिमल चल रहा है ना, ठीक है। ओके, अब यहां पे अगर आप इसको देखो, अब जैसे अगर यहां पे ए तो 10 के पावर हो गया, अब यहां का जो डिजिट है, यहां का जो डिजिट है, लाइक ऐसे समझ लो कि ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीक चीजें हैं बट इसको समझ जाओगे चीजें आसान हो जाएंगे। ए के माइनस वन, ए माइनस टू, ए माइनस थ्री, ए माइनस फोर, ए यहां का नंबर था जो यहां पे प्लेस है। अब कोई मुझे बता सकता है टोटल नंबर लिखा कितना है? एनीवन, ध्यान से सुना मेरी बात, डेसिमल को एज इट रख दिया हमने। अब ए नॉट 10 के पावर 0 इंटू ए नॉट प्लस 10 के पावर 1 इंटू ए वन प्लस 10 के पावर 2 इंटू ए टू प्लस 10 के पावर 3 इंटू ए थ्री। ये हम क्या कर रहे हैं? वेटेड, वेटेड कर रहे हैं, जितना उसका वेट है उसके हिसाब से उसको हम अलॉट कर रहे हैं प्लेसेज, ठीक है। यहां पे बताओ क्या होगा, ये तो दशमलव रहने दो, पॉइंट रहने दो। यहां पे बताओ ए के पावर माइनस वन इंटू 10 के पावर माइनस वन प्लस ए माइनस टू। अच्छा ये क्या है, व्हाट इज ए वन, ए टू, ए थ्री? दैट इज बेसिकली नंबर, दैट इज बेसिकली नंबर, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां समझेंगे, बाइनरी में इसे एग्जीक्यूट करेंगे ताकि बाइनरी मुझे बताना ना पड़े, ठीक है। यहां पे 10 के पावर माइनस टू प्लस ए माइनस थ्री इंटू 10 के पावर माइनस थ्री, क्लियर, ठीक हो गया। अब यहां पे आ जाओ, जैसे आप इसी ए वन, ए टू, ए थ्री की जगह मान लो ऐसे नंबर है 1, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, क्लियर, ऐसे नंबर करके लिखा हुआ, ठीक। तो यहां पे आप क्या करते हो, तो 2 इंटू 10 के पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 के पावर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 के पावर 1, ये आपका पॉइंट आ गया बीच में, इंटू, अब यहां पे 1 इंटू 10 के पावर माइनस 1। अच्छा 10 के पावर माइनस 1 को कैसे लिख सकते हो आप, 1 बाई 10, इसको कैसे लिख सकते हो 1 बाई 10, तो बेसिकली प्लस 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 प्लस 3 इंटू 10 के पावर माइनस 3 प्लस 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4। अब इसे आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो 2000 प्लस 500 प्लस 40, यहां पे पॉइंट, यहां पे क्या हो जाएगा पॉइंट, 1 बाई 10 प्लस 2 बाई 100 प्लस 3 बाई 1000 प्लस 4 बाई 1, सिंपली 4000। अब इसको आप अलग सॉल्व करो, इसको आप अलग सॉल्व करो और जो आएगा वही आपका नंबर होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अब हम इसका कन्वर्जन देखते हैं, इसका कन्वर्जन देखते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं, अब बाइनरी को बता दूं, व्हाट इज बाइनरी, तो बताओ बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स, देखो तुम बताओगे तुम्हें ज्यादा, तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती जाएगी चीजें, 0 एंड 1, दीज आर द पॉसिबल नंबर्स, ठीक है, 0 एंड 1, ओके। अच्छा यहां पे एक चीज बताओ, इसको क्या बोलते हैं, अगर ये 2 डिजिट है या फिर 4 डिजिट है, ये सारे कौन से नंबर है पहले तो मुझे ये बता दो, इसको आप कौन सा नंबर बोलोगे, बाइनरी नंबर, क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 ही डिजिट है, या तो 0 है या तो 1 है, या तो 0 है या तो 1 है। अगर यहां पे गलती से 0, 1, 2 आ गया तो क्या हम इसको बाइनरी बोल सकते हैं, क्या हम इसको बाइनरी बोल सकते हैं, बोलो, नहीं, बाइनरी नहीं बोल सकते, इट मे बी डेसिमल, इट मे बी ऑक्टल, इट ओ भी कुछ भी बेस हो सकता है, बट एटलीस्ट बाइनरी नहीं बोलेंगे, इस बात की सियोरिटी है, और कुछ भी बेस हो सकता है बट बाइनरी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बाइनरी में ओनली पॉसिबल नंबर इज 0 एंड 1, दैट्स इट,
ओके, अब यहां पे बात कर रहे थे, हाँ, तो इस अगर एक डिजिट है तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपली बिट। अगर फोर डिजिट है तो इसको बोलते हैं निबल। इसको क्या बोलते हैं, निबल। और अगर एट बिट का है तो एट बिट को क्या बोलते हैं, वन बाइट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी बाइट्स, हाउ मेनी बिट्स इन वन बाइट, या फिर हाउ मेनी बिट इन वन निबल। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जब भी, और ए क्या है, बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन। अगर एक डिजिट है तो उसे बोलेंगे बिट, फोर डिजिट है तो निबल, एट डिजिट है तो दैट इज वन बाइट। मतलब इसकी साइज कितनी है, वन। इसकी साइज कितनी है, वन। इसकी साइज कितनी है, फोर बिट की। इसकी साइज कितनी है, एट बिट की। तो फोर बिट एंड एट बिट, ठीक है, ओके। तो बाइनरी में, बाइनरी नंबर में, चलो एक तो एक्स्ट्रा बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब यहां पे ये सारी चीजें नोट करते चलना। हाँ, क्या, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स, दैट इज जीरो एंड वन, दैट इज जीरो एंड वन। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में। किसमें, बाइनरी को किसमें कन्वर्ट करेंगे अपन, डेसिमल में। तो ध्यान से समझना, एक बाइनरी नंबर देता हूं मैं, मान लो 101100 कुछ भी ले लो, सिंपली इतना ही ले लेते हैं, अभी तो इतना ही ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहां पे समझना, अब जो जनरल फॉर्मेट नंबर था, जो जनरल फॉर्मेट नंबर था उसमें इसको रखते हैं। अभी थोड़ा सा ब्रॉड मैनर में चलेंगे, उसके बाद शॉर्ट मतलब बहुत जल्दी भी करेंगे, सारे तरीके देखेंगे, टेंशन मत लो। मतलब मिनिमम टाइम में कैसे किया जा सकता है वो हम बताएंगे आपको, अभी फिलहाल एक दो बार तो समझना पड़ेगा चीजों को, ओके। तो यहां पे अपन रख लेते हैं 101100। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पे क्या है, पॉइंट है, तभी हमने वहां पे नोटिस नहीं किया, अभी डेसिमल पे भी आते हैं, ठीक है, यहां पे पॉइंट है। अब एक बात बताओ, एक बात समझना, यहां पे इसका वेटेड बेस कितना है, इस नंबर का बेस कितना है, दो। यहां पे 2 की पावर कितना होगा, 2 के पावर कितना होगा, इसका वेट कितना है, 2 के पावर, जल्दी बोलो, 0। 2 के पावर 0 मल्टीप्लाइड विथ नंबर, यहां पे क्या बोला था, a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6। तो नंबर मल्टीप्लाई करो, a1 की वैल्यू 0 प्लस, यहां पे देखो क्या है, यहां पे क्या आया, यहां पे 0 × 2^1 प्लस 0 × 2^1। नेक्स्ट इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा, 1 × 2^2 क्या हो जाएगा, 2। एंड यहां पे क्या हो जाएगा, 1 × 2^2 कितना हो जाएगा, 3। एंड 1 × 2^4 एंड यहां पे हो जाएगा 1 × 2^5। अब एक काम करो, अब सबको ऐड कर दो, आप ऐड करके बताना कितना आ रहा है, ऐड करके बताना कितना आ रहा है। देखो सबसे पहले 0 × 2^0 दैट इज 0 प्लस 0 × 2^1 दैट इज 0, 1 × 2^2 दैट इज, सर सेकंड वाला गलत लिख दिया, कौन सा, इसकी बोल रहे हो आप, 0 कहां पे गलत है यार, देखो ये नंबर लिखा, सबसे पहले नंबर लिखा, ध्यान दो, यहां पे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, देखो यहां पे सबसे पहले क्या किया, नंबर लिखा, जो भी नंबर था a0 नंबर यहां पे लिखा था, उसमें बेस के पावर 0, बेस के पावर 1, बेस के पावर 2, बेस के पावर 3 मल्टीप्लाई किया हमने, तो यही यहां भी तो कर रहा हूं, देखो बेस के पावर 0, बेस के पावर 1, बेस के पावर 2, बेस के पावर 3, बेस के पावर 4, बेस के पावर 5, समझ आ रहा है जसमीत। अब यहां पे 2 × 2 दैट इज 4,
प्लस 2 के पावर क्यूब दैट इज 8 प्लस 2 के पावर 4 दैट इज 16 प्लस 2 के पावर 5 दैट इज 32 सॉरी यहां पे जीरो है, यहां पे जीरो है, तो यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस जीरो। ठीक है, अब जब आप इसको ऐड करोगे, ओके ओके, जब आप इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3240, मतलब आपका आ गया 44। क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको, बोलो क्या क्लियर है सबको? ठीक है, अब आपको अगर कोई सा भी नंबर दिया जाए, कोई सा भी नंबर दिया जाए तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूं 2 3, ध्यान से सुनना सब लोग बात, 2 3 4 5 7 2। व्हाट ऑप्शन, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ए बी सी डी, बेस ऑफ दिस नंबर इज, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन 3 5, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस नंबर? जितने लोग समझ रहे हो बताना मुझे, व्हाट इज द बेस ऑफ दिस नंबर? क्लियर है, व्हाट इज द बेस, दैट इज 8। क्यों? क्योंकि अगर बेस 7 है, अगर बेस 7 है तो यहां पे 7 नहीं होता, तो दिस इज 8। अब मुझे आप देखें कितना जल्दी बताता है कौन, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर, चलो बताओ, बस कैलकुलेशन देखनी तो आगे कितनी फास्ट होती है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर, थोड़ा लेंदी जाएगा बट इट्स ओके। एक काम करते हैं, एक डिजिट कम कर देता है, एक डिजिट कम कर देता है। अब बताओ आप, लीस्ट वैल्यू प्लस वन डिजिट ही बेस होगा, जैसे 7 प्लस 1 8, सेम ए आ गया, लीस्ट वैल्यू ऑफ प्लस वन डिजिट ही बेस होगा। हाँ बोल सकते, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, जैसे देखो अगर जरूरी नहीं, अगर ए ऐसा बोलोगे आप कि 3 4 5 6 2 इसका बेस 7 है, मैं बोल रहा हूं 7 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, बट 6 नहीं हो सकता, 6 से कम जितने भी नंबर है वो नहीं हो सकते। मेरी बात समझ लो जसमीत, 6 या 6 से कम जितने भी नंबर हैं वो बेस पे नहीं हो सकते, बाकी 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में मैंने यहां पे 8 की जगह 10 दे दिया होता, पता है फिर ऑप्शन क्या हो जाता, जैसे अगर मैंने ऑप्शन में 2 7 8 10 दे दिया होता, पता है फिर ऑप्शन कौन सा होता, दो ऑप्शन सही हो सकते थे, ए बी और ए बी। समझ में आया नहीं जसमीत? एक बात बताओ, इसमें से सारे डिजिट 10 से तो कम है ना, 10 से तो कम है ना, तो 10 बेस हो सकता है बेसिकली। ठीक है, नहीं ऐसे ऑप्शन ही नहीं आएगा ना आपके सामने, ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब भी आएगा आपके सामने ऐसा ही ऑप्शन आएगा। ठीक है ओके, तो
जीरो वन टू थ्री फोर, एट के पावर फोर इंटू थ्री प्लस एट के पावर थ्री इंटू फोर प्लस एट के पावर टू इंटू फाइव प्लस एट के पावर वन इंटू सेवन प्लस एट के पावर जीरो इंटू टू। अभी सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं तुमने, बस ये बता दो, सबने यही लिखा हुआ है? डजेंट मैटर कैलकुलेशन करने पे कितना लेंदी आएगा, तो इतना अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है सबका? इसको सही से कर लेना, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी भी बेस के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आप किसी भी बेस के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि सारे बेस का, सारे जितने भी नंबर हैं, सबका प्रोसीजर यही है। एक बात बताओ, अगर मैंने हेक्साडेसिमल में दिया होता तो एट की जगह क्या होता, एट की जगह क्या होता, सिक्सटीन, एट की जगह क्या होता, सिक्सटीन, ठीक है, ओके। अब चलो एट तक तो ठीक था। देखो हम मेनली कौन कौन सा यूज करते थे, मैंने बताया था ना, एक तो बाइनरी, एक ऑक्टल, एक डेसिमल और एक हेक्साडेसिमल। तो देखो अगर बाइनरी की बात कर रहे हैं, अगर एक एक काम करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके पहले इसको सारे को क्योंकि अगर इंडिविजुअली पढ़ाएंगे तो बहुत आपको समझाना है, कम टाइम में चीजें इफेक्टिवली बतानी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर है, नहीं नहीं यहां पे तो ए इतना लेंदी आपको देगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो, ओके। अब ध्यान दो, अगर आप बाइनरी ले रहे हो तो बाइनरी में क्या होएगा, पॉसिबल नंबर बेस क्या होएगा, टू, पॉसिबल नंबर जीरो एंड वन, ऑक्टल क्या होगा बेस, एट, पॉसिबल नंबर जीरो से लेके अप टू सेवन, एंड उसके बाद डेसिमल, डेसिमल बेस टेन, जीरो से लेके नाइन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब प्रॉब्लम यहां पे आ गया कि हमने क्या कहा, हेक्सा डेसिमल और बेस इज 16 एंड नंबर इज जीरो से लेके 15 तक, ठीक है। अब आपसे किसी ने बोला कि एक हेक्सा डेसिमल है 10, मतलब ये 10 हो गया, ये 12 हो गया और ये 15 हो गया। मेरी बात समझना जरा, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तुम्हें, मेरी बात समझना, तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। 10, 12, 15, इस पे बेस मैंने दे दिया 16, इस पे बेस मैंने सपोज नहीं दिया है, इस पे मैंने बेस नहीं दिया है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, इसे आप कौन सा वैल्यू समझोगे, इसका बेस क्या समझोगे आप? अगर आपसे मैं पूछूं कि आप क्या बेस समझोगे, बोलो क्या समझोगे? अच्छा अगर मैं ऑक्टल लिख रहा हूं तो आपको कोई दिक्कत है? एक बात बताओ, कोई नंबर है ऐसा जो, कोई नंबर है ऐसा जो एट से ज्यादा है? मेरी बात समझ में आ रही है? यार सारे एट से तो कम है ना, तो ऑक्टल भी तो हो सकता है, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ए ऑक्टल भी तो हो सकता है या डेसिमल भी तो हो सकता है, आठ से कम कैसे सर? देखो फिर से सुनो, ध्यान दो, अभी ऑक्टल में नंबर कहां से कहां तक अवेलेबल होंगे, जीरो से लेके सेवन तक। क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो जीरो से लेके सेवन के बाहर है, बोलो क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो जीरो से लेके सेवन से बाहर है? तो क्या इसे आप ऑक्टल नहीं बोल सकते? क्या आप इसे नहीं बोल सकते कि ऑक्टल है ये? जसमीत समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं, देखो फिर से सुनो, देखो जब भी कोई आपके सामने
हाँ ऑक्टल भी बोल सकते हैं, ऑक्टल भी बोल सकते हैं, डेसिमल भी बोल सकते हैं और हेक्साडेसिमल भी बोल सकते हैं। ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल तीनों बोल सकते हैं हम यहां पे। क्यों? क्योंकि जो नंबर है इसी रेंज में आ रहा है, देखो 0 से लेके 7 तक के रेंज में आ रहा है, 0 से लेके 9 में भी आ रहा है, 0 से लेके 15 में भी आ रहा है। क्या 0 से लेके 1 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, बट बाकी के 3 पॉसिबल है। देखो जसमीत, करना क्या होता है, आप यहां पे नंबर लिखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सर ये देखने में ऐसे लग रहा है कि 10, 12, 15। यार एग्जैक्टली आप वही समझो ना, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने कॉमा नहीं लगाया, आपने कॉमा लगाया ना, मैंने कॉमा नहीं लगाया, मेरी बात समझ रहे हो? कॉमा आप अपने तरफ से लगा रहे हो ना, मैंने नहीं लगाया हुआ है। क्लियर? मैं लिखना वही चाह रहा हूं, मैं लिखना वही चाह रहा हूं कि 10, 12, 15, बट अगर क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि 10, 12, 15, तो आप, मैं बोल रहा हूं कि इसको आप कौन कौन सा बेस रख सकते हो, ऑक्टल भी रख सकते हो, ठीक है, डेसिमल भी रख सकते हो और हेक्सा डेसिमल भी रख सकते हो, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम से बचना है हमने, तो हमें क्या करते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, याद रखो हेक्सा डेसिमल के ऊपर मतलब 10 के ऊपर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रही है ना, बोलो प्रॉब्लम तो यहीं से स्टार्ट हो रही है ना, आपने 10 को क्या समझा, ठीक है, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इसको क्या दूसरे नाम से असाइन कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब इसी नंबर को अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए एंड देन सी देन एफ, क्या आप अब आप इसे ऑक्टल समझ पाओगे? अब आप इसे ऑक्टल एज्यूम करोगे क्या? आप बताओ, क्या अब कोई चांस है कि अब आप इसे ऑक्टल बोलोगे? अब मेरी बात समझ में आ गई? तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, हमने क्या किया, 10 के बाद हमने इस तरीके से नाम दे दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं, जब भी आपके सामने हेक्सा डेसिमल नंबर होएगा आपको हमेशा ए बी सी डी ई एफ में ही दिया जाएगा। क्या है, मेरी बात सबको क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब एक बात बताना, एक बात बताना, अगर मैं लिख रहा हूं 4, 5, 7, 9, अब मैंने बेस नहीं दिया है, व्हाट आर द पॉसिबल बेस, व्हाट आर द पॉसिबल बेस, व्हाट आर द पॉसिबल बेस, 10 एंड 10 एंड 16, 10 एंड 16, क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब आपके दिमाग में आ चुका है सब कुछ। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक काम करो, मुझे ए सी डी, ए आपका हेक्साडेसिमल है, इसे आप मुझे बाइनरी में या फिर सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ, डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ। दिस इज द एचपी जेई क्वेश्चन, दिस इज द एचपी जेई क्वेश्चन, ठीक है, जो एचपीएसएससी का क्वेश्चन था उसमें आया हुआ था, एग्जैक्ट यही नहीं आया होगा बट हेक्साडेसिमल में आया हुआ था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ए सी डी दिस इज द नंबर, चेंज इट इनटू द डेसिमल नंबर, चेंज इट इनटू द डेसिमल नंबर, और पीएसपी सेल के जो प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओगे, पिछले साल वाला नहीं उसके पहले वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन है पीएसपी सेल के, चेंज इट इनटू डेसिमल नंबर। आया आंसर किसी का? 2765, वेरी गुड, सबका आ रहा है? ठीक है, तो कैसे करना हमने, इसका वेट 0 है, इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, तो 16 के पावर 2 इंटू 8, व्हाट इज ए,
व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, 10 प्लस 16 के पावर, वेट कितना वन, व्हाट इज सी, व्हाट इज सी, 12 प्लस 16 के पावर 0 इंटू व्हाट इज डी, व्हाट इज डी, 13। बस अब लगा दो, 16 का स्क्वायर 256, तो 256 मतलब 1560 प्लस 16 इंटू 12 160 प्लस 32 मतलब आपका 192 हो जाएगा क्या, एम आई राइट, ओके, प्लस 16 के पावर 0 दैट इज 1 दैट इज 30। तो अब आप यहां पे सर 10 12 13 दिए थे, हाँ बट दिया नंबर वही था, बट प्रेजेंटेशन का तरीका अलग कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी मैंने बोला ना कि ए को आप क्या बोलोगे, यहां पे मैंने दिखाया ना, ए को क्या बोला था हमने 10, बी को क्या बोला 11, सी को क्या बोला 12, डी को 13, ई को 14, एफ को 15। क्लियर है जसमीत? ठीक है, तो अब आप इसे आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहां पे आंसर कितना आ रहा है 2765। क्लियर है सबको? अब हेक्साडेसिमल को, सर जीरो नहीं होगा, कौन सा जीरो, सिक्सटीन मल्टीप्लाई जीरो, अरे वाह बड़ी मैथमेटिक्स तेज है आपकी, इसके पास ये जीरो होता है, किसी के भी पावर जीरो दैट इज वन, किसी के भी पावर जीरो दैट इज वन, ठीक है ओके। देन अब ये तो हो गया, मतलब हमने सारे नंबर को सीख लिया कन्वर्ट करना। अब एक्चुअली देखा जाए तो अब आपको किसी भी फॉर्मेट में नंबर दिया होगा, अब आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे। नाउ अब हम किस पे फोकस करते हैं, अगर बाइनरी में दिया है, अगर बाइनरी में दिया है तो हम उसको और सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक बात बताओ, मान लो आपको बाइनरी में नंबर दिया था तो आपको डेसिमल में कन्वर्जन करना आ गया, बस यस या नो बोलते जाओ, रिकॉल करो यस या नो बोलते जाओ, बाइनरी में नंबर दिया था और डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया था, ठीक है ओके, ऑक्टल में दिया था तो भी डेसिमल में आ गया था, किससे मल्टीप्लाई करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था, जल्दी बोलो किस पावर से मल्टीप्लाई करना था ऑक्टल के लिए, 8, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3, इस तरीके से करने, उसके बाइनरी कंप्लीट, ऑक्टल कंप्लीट, देन हेक्साडेसिमल। अब यार डेसिमल को डेसिमल में तो कन्वर्ट नहीं करोगे ना, हेक्साडेसिमल दैट इज सर आफ्टर डेसिमल, अरे सब बता दूंगा टेंशन मत लो, स्टेप वाइज चलने दो ना, ठीक है स्टेप वाइज चलने दो, सारी चीजें आएंगी, ठीक, हेक्साडेसिमल देन आपका सिंपली डेसिमल, यहां पे आपका इस ए भी डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया। बेसिकली आपने ये चीजें सीख ली, ठीक। अब फर्स्ट स्टेप, अब हमारा जो अगला स्टेप है वो कि अगर कोई बाइनरी नंबर दिया हो, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर कोई अब यहां पे अगर आपको सिंपली बाइनरी नंबर दिया था, आपने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में बाय वेटिंग प्रिंसिपल, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 3। अब आपको क्या कन्वर्ट करना है, सपोज डेसिमल दिया हुआ है लाइक
12, लाइक 12। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। देखो अब आपको क्लास टाइमिंग 8:30 हो सकती है, नहीं यार करण अभी तो प्रॉब्लम हो जाएगी एक्चुअली, बात करते हैं इसके बाद, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है। तो 12 के पावर, अगर यहां पे 12 के बेस 10 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। पहले सिंपल लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो आसान तरीका, एक सीरीज याद करनी है आपने। चलो पहले तो कन्वेंशनल तरीका बता देते हैं कि गलती से अगर वो चीज नहीं याद आ रही है तो आप इससे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पे लिख देना है 12। अब आप क्या करो, सिंपली सर 20-13 क्यों नहीं लिया, डिजिटल सिस्टम में हम जो नंबर यूज करते हैं दैट इज बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये दोनों 2 के पावर 1, अब 2 के पावर 3 एंड 2 के पावर 4 हैं। अब आप एक कहोगे सर 2 के पावर 4 क्यों नहीं लिया, मतलब देखो यहां पे आप ये समझो कि ये क्या था, सबसे पहले बाइनरी, फिर ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल एंड देन डेसिमल। यार अगर सबको ही बेस लेके चलोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीजें। तो बेसिकली आप जो डिजिटल सिस्टम, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, वो सिर्फ 4 होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब यार सबको ही प्रधानमंत्री बना दिया तो फिर राज कौन करेगा, मेरी बात समझ रहे हो। तो ऑब्वियस बात है कुछ चुनिंदा लोगों को ही बनाएंगे, ठीक, ओके, जो कि चीजों को आसान करे। अभी पॉलिटिक्स पे दिमाग मत ले जाना, अभी थोड़ा सा स्टेटमेंट बोल दो ना सबके दिमाग उधर ही चला जाता, अभी इस पे ध्यान दो, ओके। 12, अब 12 पे हम कंसंट्रेट करते हैं। इसको सबसे पहले क्या किया, डिवाइड किया 2 से किया डिवाइड, कितनी बार जाएगा 6। व्हाट इज द रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, व्हाट इज द रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम जाएगा, व्हाट इज द रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड किया, कुछ नहीं जाएगा बट रिमाइंडर बचेगा क्या, 1। सो आंसर, अब आपको लिखना कैसे है, इस तरीके से, दिस इज द MSB एंड दिस इज द LSB, व्हाट इज द आंसर, 1100। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, जल्दी बोलो क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, डन, ओके। अब इसमें दो नहीं समझा, मतलब कौन सा बोल रहे हो, 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं लास्ट में। अच्छा अब 2 से 1 में आप डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम, बट रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1/2 नहीं लिखना है यार, ठीक है, क्लियर, ओके। तो दिस इज द 1100। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, आपको इसको लिखना है ऑक्टल में, देखता हूं कितना, मतलब फुल्ली तुम ध्यान दे रहे हो। 132 बेस पे 10 है, इसको आप कन्वर्ट करो ऑक्टल में। अभी यहां पे 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहां पे किससे डिवाइड करोगे, जल्दी बोलो, यहां पे 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहां पे किससे डिवाइड करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना था तो 2 से डिवाइड किया, अभी ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे अपन, 8 से। चलो देखते हैं डिवीजन आता है नहीं तुम्हें, चौसठ दुनिया 128 4 32, हाँ सही है।
कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इन ऑक्टल। देखो मैं तुम्हारे दिमाग, मैं चाहता तो अलग अलग टॉपिक दिखता, अलग अलग पढ़ाता, बट मैं चाह रहा हूं आप इसको ना अलग अलग ना लो, आप सारी चीजों को एक तरीके से समझो। एक बार बताओ, किसी भी नंबर को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या आपने अलग अलग प्रोसीजर याद रखना है क्या? नहीं, बस हमें बेस याद रखना है, दैट्स इट, सारी चीजें उसी में क्लियर हो जाएंगी। कितना आ रहा है? 204, सबका आ गया 204। क्या सबका 204 आ चुका है? जान दो सबसे। ओके अच्छा, अगर मान लो जैसे आपका 24 आया, क्या नाम है, महेंद्र, 24, आप एक काम करो ना, उसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करो कैसे करोगे? 2 × 8^1 + 4 × 8^0, देखो कितना आ रहा है, 16 + 4 = 20। क्या 20 और 132 बराबर है? बोलो, तो मतलब आपका आंसर गलत है। मेरी बात समझ आ गई? दिस इज द क्रॉस चेक मेथड। क्लियर है? मतलब आपका आंसर गलत है। चलो अब ध्यान देते हैं, फास्ट हो रहा हो तो बता देना यार, ठीक है? अब ध्यान देते हैं, सबसे पहले 8, हाँ बात करते हैं। देखो सबसे पहले एक बात समझो, अब हमने डिवाइड किया तो 8 × 1 गया। अब यार डिवीजन भी चलो ऐसे बता देता हूं, कैसे 1 गया तो कितना हो गया, 5 × 2। अब आपका कितना है, 8 × 6, 8 × यही है ना, हाँ ठीक है, 8 × 6। अब आपका कितना आ जाएगा, 4। यहां पे क्या, यहां पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। यहां पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। गया कितना, 16। अब इधर आ जाओ, अब 8, अब यहां पे क्या आ गया, 8। अब यहां पे देखो डिवाइड किया, 16 आया, रिमाइंडर कितना आया, 4। अब इसे जब डिवाइड किया कितना आया, 2। रिमाइंडर कितना बचा आप बताओ, महेंद्र आप बताओ रिमाइंडर कितना बचा, जब 16 में डिवाइड कितना आ गया, रिमाइंडर 2 0। अब आप 8 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 8 में 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, यहाँ पे 0 टाइम जाएगा, यहाँ पे 2। तो हमें पता है कि कैसे जाना है LSB से MSB, व्हाट इज द आंसर, 204। अब मुझे नहीं पता कि ये सही आया गलत आया, कर लेते हैं ना, चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं क्या हो, कैसे करते हैं, 8^2 × 2 + 0 × 8^1 + 4 × 8^0, तो ये हो गया 128 + 0 + 4, आंसर इज 128। क्या क्रॉस चेक करने का तरीका समझ में आ रहा है? अभी फिर से वापस वही नंबर आ, सॉरी वापस फिर से वही नंबर आ गया ना, वापस वही फिर से नंबर आ गया ना, 128 + 4 = 132। डन है, 4 × 8^0। डन। डाउट है किसी को, किसी पोर्शन में किसी को डाउट है? एक काम करो आप, तो 130 लो, मुझे हेक्साडेसिमल में लिख के बताओ, 130 लो हेक्साडेसिमल में लिख के बताओ, देखते हैं, 130 ही लो और हेक्साडेसिमल में लिख के बताओ, 132 दैट इज बेस 10, आपको मुझे बताना है हेक्साडेसिमल। सेम नंबर, किसी को स्पीड फास्ट लग रही हो तो बता देना यार, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीजें मेंटेन करके चलनी पड़ती हैं, कम समय में आपको ज्यादा सिखाना भी है,
पेपर भी आपका नजदीक है तो उस हिसाब से चीजें चलेंगी। 84 सबका आना चाहिए, जिसको नहीं आ रहा है बता देगा, सबका आना चाहिए, वेरी गुड। 84 सबका आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत फास्ट सीख रहे हो यार तुम लोग, क्लियर। डिवाइड से तो आ गया, और कैसे चाहते हो? डन। जो पहले करवाया वैसे नहीं होगा यार, पहले तो हमने हेक्सा डेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट किया था ना, अभी हम डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। पहले हमने हेक्सा डेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट किया, तब डिवाइड मल्टीप्लाई किया था, अभी डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। बस एक चीज याद रखना, ठीक है? बताना किसी को? एनीवन? अरे बेझिझक पूछना यार, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आया बेझिझक। एक काम करते हैं, आज तो सब लोग नहीं पूछेंगे, बता ही देते हैं। 132 क्या करना है? डिवाइड करना है। कितने टाइम जाएगा बताओ, कितने टाइम जाएगा ये? 8 टाइम। और कितना रिमाइंडर बचेगा? 128 चार 32, ठीक है। अगेन आपका ए कितना हो गया? ए आपका रिमाइंडर आ गया 8, यहां पे 0, तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा? 8 to 4, आंसर इज 8 to 4। क्या बोल रहे थे अमित? मेरा ओके। अब सिंपल एक बात बताओ, तुमने क्या क्या सीख लिया? तुमने क्या क्या सीख लिया ध्यान देना। किसी भी डेसिमल नंबर से आप चाहे उसे बाइनरी में कन्वर्ट करो, चाहे ऑक्टल में कन्वर्ट करो, चाहे हेक्सा में कन्वर्ट करो, क्या ये आपको आ गया? बाइनरी में 2 से डिवाइड करना है, ऑक्टल में 8 से डिवाइड करना है, हेक्साडेसिमल में 16 से डिवाइड करना है, क्लियर। ओके, ये भी हमें पता चल चुका है। किसी भी बाइनरी नंबर को, ऑक्टल नंबर को, हेक्सा नंबर को हमें डेसिमल में भी कन्वर्ट करना आ चुका है। इसमें हम बेसिकली क्या करते थे? मल्टीप्लाई। इसमें हमने क्या किया? डिवाइड किया, ठीक है। चलो यहां तक बातें हमारी, मतलब डेसिमल कन्वर्जन तो हमें क्लियर है, डेसिमल में है तो कोडेड में, या कोडेड में है तो डेसिमल में करना आ गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये जो 6 कन्वर्जन दिए हैं आपको, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? जल्दी बोलो। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है। चलो आगे समझते हैं, अब आगे समझते हैं। अब अगला कन्वर्जन क्या करते हैं अपन? बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल की तरफ चलते हैं, बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल की तरफ चलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अब एक तो लंबा चौड़ा तरीका है। अब जैसे अगर मान लो बाइनरी दे दिया 1001001, ठीक है। अब आपके पास अभी तक जो सीखा, अभी तक मान लो ये कन्वर्जन आपको नहीं पता है, अभी तक मान लो मैंने आपको तरीका नहीं बताया, तो आप क्या करोगे मुझे बता सकते हो? आप क्या करोगे? बाइनरी को किसमें कन्वर्ट करोगे? पहले डेसिमल में, और फिर डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करोगे? ऑक्टल में। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मैं तुम्हें शॉर्टकट ना बताऊं, तरीका ना बताऊं, तो तुम यही करोगे? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर मान लो बात ना हो तो यही करोगे ना यार, कि पहले आप बाइनरी से डेसिमल में जाओगे,
और डेसिमल से तब आप तल में जाओगे। तो अब यहां पे हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कैसे करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल, डन। एक ही नंबर लेते हैं ना, 1 0 1 0 1 1 0, 1 0 1 0 1 1 0, ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो ऑक्टल है इसका बेस कितना है 8, इसका बेस कितना है। अब ऑक्टल में जो नंबर होते हैं, जैसे अगर ऑक्टल जो बेस 8 है, जो बेस 8 है, एक बात बताओ बेस 8 में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 के पावर कितनी चाहिए होता है, जैसे 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0, तो कितने तुम्हें प्लेसेस चाहिए, बेसिकली 3 प्लेस। क्या है मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ध्यान से समझो मेरी बात, फिर से समझो। अगर ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल नंबर मैक्सिमम कितना नंबर तक जा सकता है, ऑक्टल नंबर मैक्सिमम किस नंबर तक जा सकता है, 7, और 7 को आप किस नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितने डिजिट चाहिए आपको, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0, मतलब 1 1 1, 3 डिजिट काफी है, समझो जरा, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि कितने की ग्रुपिंग बनानी है। बेसिकली इधर आ जाओ, हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने की ग्रुपिंग होनी चाहिए, जितने को बोलो, जितना उसको उसका हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम नंबर क्या है, दैट इज 15, हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम नंबर क्या है, दैट इज 15, तो 2 के पावर 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 0, दैट इज 1 1 1, तो इसका मतलब कितने प्लेसेज हो रहे हैं, 4। हेक्साडेसिमल को मैक्सिमम, हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 15, और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने प्लेसेज लेने पड़ेंगे, 1 1 1 1, 4 प्लेसेज आर सफिशियंट। एंड ऑक्टल को कितने प्लेसेज पे रिप्रेजेंट करना है, 3, मतलब मैं सिंपल बोलूं तो अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल बनाना है तो कितने डिजिट की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जल्दी बोलो, बाइनरी से ऑक्टल बनाने के लिए कितने डिजिट की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, व्हाट इज आंसर, बाइनरी से ऑक्टल बनाने के लिए कितने डिजिट की ग्रुपिंग करनी है, 3, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाने के लिए कितने डिजिट की ग्रुपिंग करनी है, 4। आपका पूरा ए कन्वर्जन खत्म हो चुका है, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी जिसको अभी डिस्कस करते हैं, क्या यहां अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो, यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन, अब करते हैं डायरेक्ट कन्वर्जन, ठीक है। एक नंबर ले लेते हैं, पहले मैं नंबर देता हूं, आप ग्रुपिंग करना, 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0, इसका मुझे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बताओ, चलो हेक्साडेसिमल। अच्छा एक छोटी सी बात हो, ध्यान देना, ये आप याद कर लो, क्या 8 4 2 1, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा ना आपके क्वेश्चन को बहुत आसान कर देगा, मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 8 4 2 1, अब अगर मैंने यहां पे ऐसे किया 1 0 0 0, व्हाट इज द इक्विवेलेंट नंबर, जल्दी व्हाट इज द इक्विवेलेंट नंबर, नहीं समझे, 8 8, फिर से मेरी बात सुनो,
इसका मतलब हमने क्या किया, हमने वन को हाईलाइट किया। अब देखो इसको कन्वर्जन कैसे बोलता हूं, अगर मैं इसको बोलता 1000 तो आप कैसे लिखते, 8 के पावर यहां पे देखो सॉरी 2 के पावर 3 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे देखो अगर मैं तुमसे बोलता 1000 है, इसका बेस 2 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करते 1 × 2 के पावर 3 प्लस 0 × 2 के पावर 2 प्लस 0 × 2 के पावर 1 प्लस 0 × 2 के पावर 0। आप इतना लंबा चौड़ा जाते हैं, उसके बाद आंसर बताते क्या, आंसर इज 8। तो अब यहां पे देखो एक्टिवेट कौन है, 8, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया 8। बहुत बारीकी समझ लो, तुम्हारे क्वेश्चन को ये टाइम बहुत कम कर देगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, नेक्स्ट तो मुझे बस डिजिट बताते जाना, 1100। अब हाई कौन कौन है, 8 और 4 को जोड़ दो, कितना हो गया 12। क्या ये क्लियर हो रही मेरी बात, मैं सबसे पूछ रहा हूं क्या ये मेरी बात सबको क्लियर हो रही है, 8 और 4 को जोड़ दो। नेक्स्ट ध्यान से सुनना, 1001, व्हाट इज द आंसर, कौन कौन एक्टिवेट है, कौन कौन एक्टिवेट है, 8 और 1 दैट इज 9। क्योंकि देखो होता क्या है ना, तुम्हारे मैक्सिमम केसेज में यही नंबर आएंगे, तो इसको हमें अच्छे से पता होना चाहिए। चलो 1111 जल्दी बोलो, व्हाट इज द आंसर 1111 15। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलो एक लास्ट वन, 0101 व्हाट इज द आंसर, 0101 कितना हो गया 5। बस यार समझ गए तुम लोग, क्लियर है। एक लास्ट 0100, ठीक है। चलो खड़ा, अब इधर आ जाओ, अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितना आसान होने वाला है। मैंने क्या बोला था, कितने की ग्रुपिंग बनानी है, अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितने की ग्रुपिंग बनानी है। अब याद रखना जब भी आप ग्रुपिंग करोगे कहां से करोगे, LSB से करोगे। पहली बात, जब भी आप ग्रुपिंग करोगे कहां से करोगे, LSB से करोगे। अभी इसकी वजह पता चल जाएगी, देखो अभी एक ग्रुपिंग, उसके बाद एक ग्रुप, उसके बाद दूसरी ग्रुप, देन थर्ड ग्रुप। चलो यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं आई, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये कितना है, ये कितना है, 1110 कितना है। अब रटने उसमें मत चले जाना, जो अभी तरीका बताया उससे बताओ। 8 4 12 2 14 को हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सबको याद नहीं होगा तो मैं एक काम करता हूं, सब अभी यहां पे लिख देता हूं, कल तक याद कर लेना, कल तक सब लोग याद कर लेना। 10 11 12 13 14 15 तो कितना बोला, कितना होगा E, क्लियर, ओके। अब इसका बताओ ये कितना है, 1010 8 एक्टिवेट है और 2 एक्टिवेट है, कितना हो गया A, और A 10 आएगा, और 10 को क्या लिखते हैं A। और लास्ट वन A क्या है, 4, तो इस पे क्या लिख दिया, उसको 4 ही लिख दिया, एंड दैट इज द आंसर। क्या मेरी बात सबको क्लियर है, डन, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट अब इसे आप करके बताना, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया प्लीज बता देना। ओ सॉरी, क्या करना, 0101 0011 10
चलो इसका बताओ, बताओ दिनेश क्या नहीं समझा, दिनेश बताओ क्या नहीं समझा। तब आंसर कैसे दे रहे हो इतना जल्दी जल्दी। ओके तो हो गया, क्लियर हो गया, क्या होगा। अब देखो यहां पे एक चीज देखना, तुम अगर तुमने ग्रुपिंग एलएसबी से करी, एमएसबी से करी, अगर तुमने ग्रुपिंग एमएसबी से करी तो आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली वो समझो, क्या प्रॉब्लम आने वाली वो समझो। अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना मुझे, मैं किधर जीरो लगाऊंगा कि इस नंबर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, एलएसबी पे या एमएसबी पे, सोच समझ के आंसर देना। मैं किधर जीरो लगाऊंगा कि इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एमएसबी या एलएसबी। जितने लोग एलएसबी बोल रहे हो, जितने लोग एलएसबी बोल रहे हो, अगर मैंने यहां पे जीरो कर दिया, अगर यहां पे मैंने जीरो कर दिया, सारा वेट चेंज हो जाएगा। अभी टू के पावर जीरो था, अभी टू के पावर वन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो जब भी जीरो ऐड करेंगे किधर ऐड करेंगे, इधर करेंगे, क्लियर है। जब भी जीरो ऐड करना है किधर करेंगे, एमएसबी में। ये सारे पॉइंट्स जिसको कंफ्यूजन है वो लिखते चलना, ठीक है। जिसको जिसको कंफ्यूजन है कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा जीरोज ऐड करने हैं, ठीक है। अब देखो जीरो ऐड करने की नौबत क्यों आई वो समझ लो। पहले तुमने ग्रुपिंग बनाई, एक ग्रुप, दो ग्रुप, थर्ड ग्रुप में हमें चार का बनाना था, बट कितने का बन रहा है, दो का। तो मतलब हमें दो जीरो ऐड करने हैं। अब दिमाग में ये होता है कि किस साइड ऐड करूं, यहां पे ऐड करूं या यहां पे ऐड करूं। दिमाग में ये अगला क्वेश्चन यही आता है कि राइट साइड लेफ्ट करूं या मतलब एलएसबी पे ऐड करूं या मतलब एमएसबी पे करूं। तो अगर आप एलएसबी पे करोगे तो क्या होएगा, प्रॉब्लम होएगी, मतलब आपका नंबर, आपका पोजीशन ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हम कहां पे ऐड करेंगे, सिंपली एमएसबी पे। बट ए इंटीजर पार्ट में, बट ए इंटीजर पार्ट में अगर फ्रैक्शनल पार्ट हुआ तब याद रखना। अब जैसे मैं ऐसे समझो 10.24, 102.24। अब बताओ मैं जीरो कहां पे ऐड करूं कि फर्क नहीं पड़ेगा, इधर या इधर, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, कहां पे जीरो ऐड करूं कि फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं भी ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मेरी बात समझ में आई, कहीं भी ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, ये भी तो देखो अभी मैंने नंबर क्या लिखा हुआ है, समझा दो सर बार फिर, क्या समझाऊं इसमें। अब देखो समझो, अगर 0.24 है तब यहां पे जीरो नहीं ऐड कर सकते, तब आप यहां पे जीरो ऐड करोगे। अगर मतलब एक लाइन लिख लेना कि जो इंटीजर पार्ट है, जो इंटीजर पार्ट किसको बोला था याद करो इसको, अगर इंटीजर पार्ट में आपको जीरो ऐड करना है तो कहां पे ऐड करोगे, एमएसबी में। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट में जीरो ऐड करना है तो कहां पे ऐड करोगे, एलएसबी में। क्या ये सबको बात समझ में आ रही है। बाइनरी में भी आता है सर, क्या बोल, हाँ बाइनरी में ही, बाइनरी में ही बातें हो रही जसमीन, ये जो भी बातें हो रही सब बाइनरी में हो रही है, क्योंकि हम बाइनरी का कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे पास जो नंबर होगा बाइनरी ही होगा, ठीक है। ओके तो कहां गया नंबर, हाँ ये था हमारा नंबर, ये था हमारा नंबर। अब देखो तो इसे अभी भूल जाओ, अभी मैं सबका बताता हूं, ये अभी भूल जाओ। तो यहां पे मैंने जीरो ऐड कर दिया, इसका ग्रुपिंग का नंबर बताओ, इस ग्रुपिंग का नंबर बताओ, 0010।
जल्दी जल्दी बोलते जाओ, 0010 दैट इज टू 0100 0100। मैं चाहता हूं सब लोग एटलीस्ट मैसेज ना करें तो कम से कम बोलें, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आप टाइप ही करो, बट एटलीस्ट साथ साथ में जैसे सब लोग कोशिश कर रहे हैं बोलने की, आप बोलोगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। तो 4 ठीक है। माइक नहीं चलता सर। अरे बोलना नहीं है यार, बोलना नहीं है, तुम लोग ही बोलोगे फिर मैं कब बोलूंगा। यहां पे लास्ट डिजिट कब होगा बोलो, 1110। अभी बताओ व्हाट इज 1110। 14 एंड 14 को क्या बोला हमने, ई। 14 को क्या बोला हमने, ई। तो दिस इज 16। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है सबको? वेरी गुड। अभी ये क्या पढ़ रहे थे अपन, पता लगा टॉपिक का नाम ही भूल गए, इतनी देर से पढ़ा रहे। पढ़ क्या रहे थे आप लोग? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सर ये काम कहां आता है वैसे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। बताएंगे आज, सब बताएंगे, टेंशन मत लो, अभी पहले सीख तो लो। 0101010 3 इसको आप कन्वर्ट करो। नाइस आंसर। आप इसको कन्वर्ट करो कहां पे, ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करो, याद करो ऑक्टल में कितने का ग्रुपिंग बनता था, ऑक्टल में ग्रुपिंग कितने की बनती थी। चलो बनाओ, तीन तीन की ग्रुपिंग बनाओ। और ग्रुपिंग हमेशा कहां से बनेगी? ओ सॉरी 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 सॉरी, 1। ग्रुपिंग हमेशा कहां से बनेगी, एलएसबी में। एलएसबी से कितना आ रहा है, 255 ऑक्टल। तीन तीन की ग्रुपिंग बनाओ, तीन की ग्रुपिंग, 1 1 2 and 3 1 2 and 3 क्लियर? ओके। अब यहां पे सिंपली क्या करें अपन, 010 क्या होता था अभी देखो, मैं अभी तुम्हें अगर रियलाइज हो रहा होगा तो रियलाइज हो रहा होगा अगर तुम्हें इसको याद करने का कितना फायदा हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, तुम्हें इसको याद करने का कितना फायदा हो रहा है। अब देखो 010 तो कौन सा एक्टिवेटेड है, 2। 101 कौन सी वैल्यू एक्टिवेटेड है, 4 and 1 दैट इज 5, 4 + 1 दैट इज 5, अगेन सिंपली 5। एंड व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द बेस, 8। क्लियर है? तो ऑक्टल टू बाइनरी। अब एक काम करो, अब आप बताओ ऐसा कौन सा कन्वर्जन बचा है जो आपको सीखना है, ऐसा कौन सा कन्वर्जन बचा है जो आपको सीखना है, जो आपको आप ही नहीं बताया। अरे बीसीडी, बीसीडी तो अभी आएंगे यार, वो अलग ही कहानी है। इन चार में से डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। अब इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपको नहीं पता है,
ओके वेरी गुड। हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी, देखो ध्यान से सुनो। अच्छा पता है मैं अलग अलग टॉपिक लिखा के क्यों नहीं बता रहा, मैं नहीं चाहता कि तुम इसको अलग अलग ट्रीट करो, मैं चाहता हूं कि सिर्फ दो तीन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं और उससे आप सारे क्वेश्चन को डील कर जाओ, मेरा कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे बहुत तरीके से हेक्सा टू डेसिमल, फिर डेसिमल टू हेक्सा, फिर बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्सा, मतलब समझ लो, अगर मैं जितने ढेर सारे टॉपिक्स लिखवाऊंगा उतना आपको पहाड़ लगेगा। मैं चीजों को समराइज कर दूंगा लास्ट में, सिर्फ आपको 5 मिनट के अंदर सारे कन्वर्जन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाओ, इंडिविजुअली सुनते जाओ, आपको एक एक साथ समराइज कर दूंगा। ओके, तो हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी, ए बी 9 2, ये क्या है, दिस इज हेक्साडेसिमल। अब एक जस्ट रिवर्स प्रोसेस, ध्यान से सुना मेरी बात, अभी कोई आंसर नहीं बताएगा, मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोगों को आता है, बट मेरी बात भी सुन लो। अगर हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना होता था, अगर हमें बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना होता था तो कितने ग्रुप, कितने डिजिट की ग्रुपिंग करते थे? बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना होता था तो कितने डिजिट की ग्रुपिंग करते थे? 4 डिजिट की। चलो अब अगला क्वेश्चन, आप एक्सपेंड करते थे या कंप्रेस करते थे? आप एक्सपेंड करते थे या कंप्रेस करते थे? क्या करते थे? कंप्रेस करते थे, कंप्रेस करते थे, तो आपका जो लंबा सा डिजिट होता था वो कम में हो जाता था। अभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, अभी आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है और आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो जो एक डिजिट होगा हेक्साडेसिमल, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है? याद करो, एक हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है? 4, 4 बिट की। कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है? 4। मतलब हम एक एक नंबर को 4-4 नंबर में, 4-4 बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए, अब देखो ध्यान से सुन लो, अभी एक पहला क्वेश्चन सुन लो, फिर तुम बताते रहना। ए, व्हाट इज ए? ए इज 10, ए इज 10। अब बताओ कौन कौन सा एक्टिवेट करूं, 8 4 2 1, कौन कौन सा एक्टिवेट करूं कि 10 आ जाए, कौन कौन सा एक्टिवेट करूं कि 10 10 आ जाए? एक ए वाला और एक ए वाला, क्या हो गया 8+2, क्या हो गया 8+2, दैट इज 10। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो इसको क्या लिख दिया, 1010। पहले बताओ ए पॉइंट, जो मैंने ए को 1010 डायरेक्ट लिखा, क्या ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बोलो, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं आप प्लीज पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछो, मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो आप बोलो, बेझिझक बोलो यार, आप भी पढ़ रहे हो, ये लोग भी पढ़ रहे हैं। मुझे अभी, आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो ऑब्वियस बात है, फेस डिटेक्ट करके बता सकता था कि समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट बी, बी पे आते हैं, बी पे। अब बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी 11। अब 11 के लिए कौन कौन सा एक्टिवेट करोगे, 8+4 दैट इज 12। अच्छा ये तो ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा हो गया, तो 8+2+1 मतलब 1 1 0 1 1, तो व्हाट इज आंसर, 1 0 1 1। क्लियर है? अब 9 है, 9 को 4 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं अपन, 9 को 4 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 8 8+8+1, तो सिंपली 1001 दैट इज 1001। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट
टू को फोर डिजिट में लिखना है, टू को फोर डिजिट में लिखना है। कैसे लिखे अपन 8421। तो इसको एक्टिवेट करना है क्या, आठ को एक्टिवेट करना है क्या, नहीं करना। फोर को एक्टिवेट करना है, नहीं करना। टू को एक्टिवेट करना है, हाँ करना है। वन को एक्टिवेट करोगे क्या, अगर कर दिया तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, इसलिए इसको एक्टिवेट नहीं करना है। व्हाट इज द आंसर, 0010। अब आप इसको कलेक्टिवली आप इजिली लिख सकते हो 1010 1011 1001 एंड 0010। अभी आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे, अगर एक बार प्रैक्टिस में आ गए आपको एक करने में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगने वाला है। बस आप एक चीज सीख जाओ, ये वाला ट्रिक सीख जाओ, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं 8421 जितना नंबर चाहिए उसके हिसाब से चीजों को एक्सपेंड करते जाओ। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, जल्दी बोलो, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये आपने क्या किया, व्हाट इज द, ये कौन सा कन्वर्जन था, कन्वर्जन क्या था, ये हेक्सा डेसिमल टू, सर ए का बता दो, ए का, ओके देखो ए की वैल्यू कितनी होती है, पहले आप बताओ ए किसको सिग्निफाई, ए किसको सिग्निफाई करता है, 10 को, ओके अगर ये 10 को करता है तो आप इस टेबल पे आ जाओ 8421। आप बताओ अगर आपको 10 चाहिए तो आप किसको किसको एक्टिवेट करोगे, आप इसमें बताओ किसको किसको एक्टिवेट करोगे, 8 को और अच्छा 1 को। एक बात बताओ 8 और 1, 8 प्लस 1 कितना हुआ, 8 प्लस 1 कितना हुआ, आपको क्या चाहिए था, आपको तो 10 चाहिए था ना, तो क्या करेंगे अपन इसको एक्टिवेट करेंगे। अभी क्लियर हो गया जसमीत, ओके। अब आपने पढ़ा, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपने पढ़ा हेक्सा टू बाइनरी। अब आप मुझे बता दो अगर मैं इस नंबर को कन्वर्ट कर दूं किसमें, ऑक्टल में, तो चले कहां से थे, बोलो चले कहां से थे, हेक्सा से पहुंच कहां गए ऑक्टल पे, ये कौन सा कन्वर्जन हो गया, ये कौन सा कन्वर्जन हो गया, बोलो हेक्सा डेसिमल टू ऑक्टल, दिस इज द प्रोसेस। अब समझ लो, अगर आपसे कोई पूछ रहा है हेक्सा डेसिमल से आप किस में कन्वर्ट कर दो, ऑक्टल में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हेक्सा डेसिमल से क्या करो, एक्सपेंड या कंप्रेस, जल्दी बोलो एक्सपेंड या कंप्रेस, एक्सपेंड, ठीक है, ओके। अब एक्सपेंड जो आप करोगे कितने डिजिट का करोगे, कितने डिजिट का करोगे, एक डिजिट को कितना डिजिट में कन्वर्ट करोगे, वन डिजिट विल बी कन्वर्टेड इन टू फोर बिट। अभी जो आया आपका वो कितना हो, क्या हो चुका है, वो बाइनरी हो चुका है। अब आपको बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कितने की ग्रुपिंग बनानी पड़ती है, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कितने की ग्रुपिंग बनानी पड़ती है, बाइनरी से ऑक्टल 3 की ग्रुपिंग। अब एक बात बताओ, अगर 3 की ग्रुपिंग बना रहे हो तो आप कंप्रेस कर रहे हो एक्सपेंड कर रहे हो, आप कंप्रेस कर रहे हो एक्सपेंड कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, और 3 डिजिट को आप किस में कन्वर्ट करोगे, 1 डिजिट में। जब आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप एक छोटा सा काम करो, आप मुझे जो आंसर अभी आपने निकाला हुआ है ये वाला, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करके बता दो, इसको आप मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करके बता दो, ए 1011 है, 1011। चलो ऑक्टल में कन्वर्ट करो, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि तुम्हें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, 1010 1011
1001 0010। देखो यार सिंपल सी बात है, देखो एक जो कोचिंग का होता है, मतलब होता है ना एनवायरनमेंट, उसका सबसे बड़ा यही फायदा होता है कि आपको पता होता है कि आपको किसके साथ कंपटीशन करना है, मेरी बात समझ लो। तो उस चीज का फायदा उठाओ यहाँ पे, कि तुम्हें पता है कि यही लोग हमसे फाइट करेंगे, यही लोग हमसे फाइट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज को इग्नोर करते हो तो आपको पता है कि आप एक होता है ना काइंड ऑफ कुएं का मेढक काइंड ऑफ, कि आपको खुद नहीं पता कि आपके बाहर कितनी दुनिया है, या लोग कितनी स्टडी कर रहे हैं, या लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल का आइडिया ही नहीं है और आप डायरेक्ट एग्जाम देने चले जाओगे। अब यहां जब आप ग्रुप में पढ़ते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपको पता है कि हमें औरों के साथ कंपटीशन करने के लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम जाके जेई बनेंगे, बात समझ रहे हो। तो चीजें बहुत आसान है, बस हमें एक सिस्टमैटिक वे में चलना होता है, जेई बनना बहुत आसान है, ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, ठीक है, जो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए। खैर अब यहां पे कितने डिजिट की, कितने डिजिट का आप कर रहे हो, 3 डिजिट का। कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, लास्ट से LSB 1 2 एंड यहां पे आपका 3 देन 4 देन 5। अभी तो ये क्या हो गया, अब क्या करें, कोई रास्ता बताओ, ये तो एक ही बच रहा, क्या करें, 2 जीरो लगा दो, ऐड नहीं 2 जीरो लगाना है, ठीक है, 2 जीरो लगाना है, और 2 जीरो लगाने के बाद आपके इसकी 3 की ग्रुपिंग बन जाएगी। बस अब सारा नंबर लिखते जाओ, ये कितना है 1 जीरो, मैं अभी पहली बार बता रहा हूं तो इसलिए सिस्टमैटिक चीजों को बता देना चाहता हूं। अगेन आ जाओ 8421, क्या है 010, अभी 7 ऑक्टल के लिए सिर्फ 3 डिजिट काफी है, 010। तो यहां पे सिर्फ कौन एक्टिवेट है, 2, तो आंसर इज 2। यहां पे क्या है 010 010, अगेन वही नंबर आ चुका है 110 110। कौन कौन एक्टिवेटेड है, एक 4 और एक 2, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 6 6, यहां पे कितना हो चुका है 6, यहां पे 101 101 101। देन आप यहां पे ध्यान दो, अगेन कौन कौन सा नंबर एक्टिवेट हो रहा है, कौन कौन सा, सॉरी सॉरी, कहां पे गया, हाँ तो 421 421, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या था, 101 101, कौन कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, एक 4 एक्टिवेट हो रहा है, एक 1 एक्टिवेट हो रहा है, तो 4 and 1 दैट इज 5, एंड 010 कौन कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, 421। ये सब मन में चलेगा, अभी हमें करना नहीं पड़ेगा, जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाओ तो सिंपली कितना है 2 और इसमें कितना है 1, तो द आंसर इज 1 2 5 6 2 2 base 8। यही आता सबका आंसर 1 2 5 6 2 2, वेरी गुड, क्लियर है। देखो यार मुझे पता है कि मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं, बट ये भी पता है साथ साथ में है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है, अब बताओ कौन सा कन्वर्जन बच रहा है, अब बताओ कौन सा कन्वर्जन बच रहा है। आपको सारी चीजें दिमाग में रखनी है, हमें कॉपी बहुत ज्यादा नहीं भरनी है, अब बताओ कौन सी चीजें बच रही, अब अभी सारी चीजों को समराइज करूंगा मैं, टेंशन मत लो, और कोई सा कन्वर्जन बताओ जो बच रहा तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो। ऑक्टल टू हेक्सा, तो ऑक्टल टू आपको जाना है हेक्सा, आप क्या करो सबसे पहले ऑक्टल को ले जाओ किसमें, आप बताओ, अब आप बताओगे ऑक्टल को किसमें ले जाना है अपने, अब मैं नहीं बताऊंगा आप बताओगे, बाइनरी में,
बाइनरी में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड या कंप्रेस? एक्सपेंड करना पड़ेगा या कंप्रेस करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने के लिए एक डिजिट को कितने डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक डिजिट को कितने डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तीन। वेरी गुड, एक डिजिट को तीन डिजिट में। अब आपके पास बाइनरी नंबर आ चुका है। अब आपके पास जो बाइनरी नंबर है उसमें अब आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक्सपेंड करना या कंप्रेस करना है? बोलो, एक्सपेंड करना है या कंप्रेस करना है? क्या करना है? कंप्रेस करना है। सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती रहनी चाहिए, कंप्रेस करना है। अब आप बताओ कंप्रेस करने के लिए यहां पे कितने डिजिट को कितने डिजिट में कन्वर्ट करना है? बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फोर बाइनरी डिजिट को एक हेक्साडेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करना है। और आपका क्या आ जाएगा? फोर की ग्रुपिंग बनानी, बेसिकली फोर की ग्रुपिंग बनानी है। और आपका क्या आ जाएगा? हेक्साडेसिमल। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? एग्जांपल दूं मैं, कर लोगे? ठीक है, इसको साइड में रखते हैं ताकि आप इसे रेफर कर सको, ताकि आप इसे रेफर कर सको। ठीक है, ओके। आपके सब्जेक्ट को इतना आसान कर दिया जाएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता रहेगा। और एग्जाम उसी दिन क्रैक होगा जिस दिन आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा, नहीं इस बार तो किसी हालत में बस एग्जाम क्रैक ही हो जाएगा, कोई वजह मुझे रोक नहीं सकते। तो ऑक्टल में नंबर देता हूं मैं, 3 4 2 7, 3 4 2 7। हाँ, कोई नहीं रोक सकता माइकल लाल, तुम्हें जेई बनने से, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिस दिन, उस दिन जेई बन जाओगे। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तुम्हें क्या बोलते हैं, सारी सब्जेक्ट को कवर कर लोगे, और वो भी अच्छे मैनर में, सारे सब्जेक्ट को अच्छे मैनर में कवर कर लोगे, उस दिन तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आज का जो कंपटीशन चल रहा है उसमें एक बात याद रखना, आज का जो कंपटीशन चल रहा है उसमें अगर तुम एक सब्जेक्ट भी छोड़ के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम कंपटीशन में पीछे जा रहे हो। ठीक है, तो ये है ऑक्टल। अब आप मुझे इसको कन्वर्ट करके बताओ हेक्साडेसिमल। चलो बताओ, 3 4 2 7 इज अ ऑक्टल नंबर, कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। कन्वर्ट इट इनटू हेक्साडेसिमल। 7 2 7 बहुत फास्ट आ गया, 7 1 7 जल्दीबाजी में मार्क्स चले जाएंगे, वहां पे आपको कोई नहीं रहेगा जो कि आपको बताएगा भाई तूने गलत कर दिया, अपने आप को रेक्टिफाई कर, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप अपने आप को बोल रहे हो, ओके। अब ध्यान दो, अब इसको नंबर लेते हैं 3 4 2 7, इसे अच्छे समझते हैं सब लोग, ध्यान समझना, 3 4 2 7 सबका आंसर आ चुका है। ए है कन्वर्ट, ए है किसमें? ऑक्टल में। ए है किसमें? ऑक्टल में। इसको कन्वर्ट किसमें करना है? हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या था, ध्यान से सुनो, पहला स्टेप क्या था, कहाँ गया? हाँ, एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं यहां से क्लिप, अब यहां पे
इससे क्या तुम्हें रेफरेंस देना, मैंने इससे तुम्हें क्या करना, मैंने रेफरेंस देना। तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप, ध्यान से देखो, पहला स्टेप क्या है, ऑक्टल को एक्सपेंड करो, किसमें कन्वर्ट करो, बाइनरी में। तो बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है, सबसे पहला स्टेप है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसमें एक डिजिट को किस, एक डिजिट को किसमें कन्वर्ट करना है, कितने डिजिट में, तीन डिजिट में। तो थ्री को तीन डिजिट में कन्वर्ट करना है, अगेन वही 8421। तीन को अगर एक्टिवेट करना है तो दो को एक्टिवेट करो एंड वन को एक्टिवेट करो, ठीक है। अभी तुम ऑक्टल चल रहा है तो यहां पे एट लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे आपका क्या है, थ्री, तो किसको किसको एक्टिवेट करो, इसको और इसको, तो 011 क्या कर दिया, 011। फोर चाहिए तो किसको एक्टिवेट करो, सिर्फ इसको एक्टिवेट करो, फोर को, बाकी को 00, तो 100। बाकी टू को एक्टिवेट करना है तो 010, तो टू को लिखना है तो 010। सेवन करना था तो 4 + 2 = 6 + 1 = 7, दैट इज 111, डन, ओके। अब इधर आ जाओ, अब ये आपका कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। तो पहला स्टेप क्या था कि ऑक्टल को कम एक्सपेंड करो बाइनरी में, और बाइनरी में वन डिजिट विल बी चेंज इनटू थ्री डिजिट, बाइनरी में वन डिजिट विल बी चेंज इनटू थ्री डिजिट, ये हमारा कन्वर्जन था, वन डिजिट विल बी कन्वर्ट इनटू थ्री डिजिट, ओके, ये पहला प्रोसेस। अब क्या करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के लिए क्या करना है, फोर बाइनरी डिजिट को एक डिजिट में कन्वर्ट करो। तो पहले फोर फोर की ग्रुपिंग बनाओ, फोर की ग्रुपिंग मैं रेड से बना रहा हूं, ये पहली ग्रुपिंग, ये आपकी पहली ग्रुपिंग, ये आपकी दूसरी ग्रुपिंग, सॉरी ज्यादा, ये आपकी चार चार डिजिट की बनानी है, तो ये आपकी दूसरी दूसरी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फोर डिजिट, ये आपका फोर डिजिट, ठीक है, और यहीं से आपका ये फोर डिजिट का, क्लियर। अब ये फोर डिजिट में क्या क्या है, एक है जीरो, सबसे पहला वाला डिजिट देखते हैं, सबसे पहला डिजिट क्या है, 011, इसको कंफ्यूज मत होना यार, ये ना कंफ्यूज मत होना, हाँ पहला डिजिट क्या है, 0111, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 8421, तो कौन कौन सा एक्टिवेट है, 4, 2 और 1, 4, 2, 6, 1, 7, तो यहां पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, अपन सिंपली 7 लिख सकते हैं। एबीसीडी का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब डिजिट 10 को क्रॉस करेगा, 9 को क्रॉस करेगा, ठीक है, तब एबीसीडी का कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट डिजिट क्या था, 0001, तो यहां पे सिर्फ एक्टिवेट है 1, तो सिंपली क्या हो गया, ये हो गया 1। यहां पे लास्ट वन 0111, ठीक है, 0111। अभी आपका कौन कौन सा एक्टिवेट है, 8421, तो आपका 4 + 2 + 1 कितना हो गया, 7, तो सिंपली आंसर कितना आ गया, 7। एंड कितना, 4 की ग्रुपिंग कर रहे तो ऑब्वियस बात है कितने बेस पे कन्वर्ट हो रहा होगा, 16। क्या ये कन्वर्जन सबको समझ में आ गया, बहुत आराम से बताया यार, ठीक है। आंसर तो 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा जब तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे कि लोग दे रहे हैं, इन्होंने भी अभी सीखा, इन्होंने भी पहले नहीं सीखा हुआ, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई।